इकरारे होने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यारे होने लगे, होने लगे, ना 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 ना। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप समझ गए, एक बहुत ही प्यारा सा बहुत रोमांटिक सॉन्ग आज का इस ट्यूटोरियल में। बहुत रिक्वेस्ट आया था ये गाने के लिए, तो मुझे काफ़ी दिनों से लोग बोल रहे हैं लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, इसके लिए सॉरी। तो बहुत लेट हो गया लेकिन फिर भी मैंने सबको रिक्वेस्ट रखने का कोशिश करता हूँ। या आज का ये गाना, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, फिल्म प्यार तो होना ही था। और ये खूबसूरत गाना का म्यूजिक जतिन ललित, और गाना गाए है ग्रेट लेजिंग लेवेंट कुमार शर्मा जी। तो गाना का स्केल किसी किसी को और लग सकता है, लेकिन ऐसे घबराने का कोई बात नहीं है। ये एफ शार्प माइनर स्केल का है, तो मैं मतलब विदाउट केपो आपको ओरिजिनल स्केल में ही दिखाता हूँ। आप एफ शार्प माइनर स्केल को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? ऐसा तो आपको जानते हैं कि आप अपना जो सेकंड फ्रेट आता है ई स्ट्रिंग का, फर्स्ट स्ट्रिंग का जो सेकंड फ्रेट आता है वही एफ शार्प होता है, तो उसमें आप ऐसा बार कॉर्ड लीजिए, ठीक है? और इसका जो कॉर्ड सेक्शन है इतना प्यारा है, आप देखिए, ठीक है? और इसके साथ मैं इसका गाने का स्ट्रमिंग और एक इसका छोटा सा गिटार सिग्नेचर पीस है, बहुत ही क्या बोलूँ, मतलब एक फुल की तरह है, काफ़ी हिट भी हुआ था ये गिटार सिग्नेचर। उसका नोट भी मैं और प्लेइंग स्टाइल भी मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। तो पहले चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है? तो एफ शार्प माइनर स्केल के ऊपर ये गाना, पहला कॉर्ड ऑब्वियसली एफ शार्प माइनर। La 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 E la 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 la। लेकिन आप E का जगह में B माइनर भी करें तो ऐसा कुछ और नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, ठीक है? अब लेकिन ओरिजिनल जो E यूज हुआ है, ठीक है, एडलिब में B माइनर यूज हुआ था, लेकिन जब गाना मतलब म्यूजिक पार्ट के साथ अपना टेम्पो के साथ स्टार्ट हुआ तब ई मेजर ही यूज हुआ। ला 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 ला। ये जी मेजर, और ये जी मेजर सी शार्प मेजर, ला ले ला 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 ले ला ला ला। ये बहुत फर्स्ट क्लास प्रोग्रेशन, ला 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 जी सी शार्प, अभी अभी भी बजा सकते हैं, ला 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 दे ला 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 ला। तो जी सी शार्प ए मेजर, बोल दो अगर तुम्हें प्यारे होने लगे, होने लगे, ये कंपलसरी सी शार्प माइनर, होने लगे प्यार, होने लगे। तो मैं पूरा साइन लाइन को और एक बार धीरे धीरे रिपीट कर रहा हूँ। आप प्लीज नोटबुक साथ में रखिए और उसमें आप लिरिक्स रेडी कीजिए, और लिरिक्स का कौन सा पॉइंट में, पॉइंट बहुत जरूरी है, मैं बार बार ये बात को रिपीट करता हूँ, क्योंकि कॉर्ड्स से देने से मतलब नहीं, कौन सा जगह में अप्रोप्रिएट होता है वो सबसे जरूरी होता है, तो उसमें कॉर्ड खिलता है, उसका इफेक्ट अच्छा आता है, ठीक है? La 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 la, झुकने लगे E, okay? बात ना कर जुबा तक रुकने लगे E, आँखों आँखों में, ए पॉइंट में, आँखों आँखों में
गिरार तो ये ची आर ला ला ले शीशा ला 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 ये बोल अगर तुम्हें प्यार है होने लगे एडवांस में लाइन आने से पहले होने लगे शीशा माइनर ओके होने लगे प्यार होने लगे अरे ला 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 डी होके भी आ सकता है ला ले ला 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 ले ला ले ला 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 ले ला 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 टू ला ले ला ले ला ला ले ला ला ठीक है अब चलिए सीधे अंतरा में जाता है ठीक है ना रे ना इमेज ऐसा स्टार्ट होता है नाने 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 दे ना ना दे ना तो ए डी डी ए नाने ना फर्स्ट लाइन नाने ना नाने ना ने दे ना ना दे ना करेक्ट अभी नेक्स्ट लाइन नाने ना नाने ना दे दे ना दे दे ना तो दूसरा लाइन का स्कैन थोड़ा अलग है एवरी गॉड ला 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 फर्स्ट लाइन ला ले ला ना ने ना ने दे ना ना दे ना ए दो बार डी फिर ए और सेकंड लाइन ला ले ला ना ने ना ने दे ना दे दे ना बैक टू ओइ ला 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 जो क्रॉस लाइन में था ठीक है क्रॉस लाइन मतलब गाने का मुखड़ा का जो सेकंड पार्ट है उसको आप लोग शायद जानते होंगे तो जिसको नहीं मालूम वो समझ लीजिए कि साइन क्रॉस साइन मुखड़ा का पहला दो लाइन फिर नेक्स्ट टू लाइन फिर पहला दो लाइन ठीक है तो ऐसा जो है वो नेक्स्ट जो टू लाइन्स होते हैं उसको क्रॉस लाइन बोल कहते हैं ला ले ला ला ले ला ले ला ले ला 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 ठीक है ला ले जी शी शा ना ना एफ शा माइनर ना ने ना ना शी शा माइनर ना ले ने ना ना बहुत बहुत अच्छा है इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन और आप इसको मतलब एकदम अप्रोप्रिएट ढंग से आप इसको कॉर्ड करेंगे स्ट्रमिंग करेंगे तो आप खुद इतना एंजॉय करेंगे क्या बोले ब्यूटीफुल सॉन्ग जैसे जतिन ललित जी ने इसका ट्यून कंपोज किया है और उतना ही बेखूबी से शामला ने इस गाने को गाया है ब्यूटीफुल लवली तो चलिए इसका स्ट्रमिंग थोड़ा देख लेते हैं स्ट्रमिंग को अब थोड़ा सिंपल रखिए ठीक है ये रोमांटिक गाना है सॉफ्ट गाना है इसमें ज़्यादा मतलब हम लोग क्रिटिकल नहीं करेंगे इसका जो स्ट्रमिंग अब ऐसा ला 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 मतलब डाउन अप डाउन अप डाउन चक डाउन अप डाउन अप डाउन चक कैसे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन मतलब डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप और नेक्स्ट डाउन के साथ ही आप उसको चक कर दीजिए तो आपको अगर लगे कि ये चक कैसे हो रहा है ये और बस यहां से आप इसको बजने दीजिए पहले मतलब साथ में ओके सो डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप चक डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप और किसी किसी को ए टाइप का सॉफ्ट मतलब जो सॉफ्ट टाइप का गाना होता है उसमें बहुत जो फिंगर स्ट्रमिंग पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं मतलब पैटर्न को सेम रखिए ठीक है हाँ ऐसा क्रिटिकल करने का कोई मतलब जरूरत नहीं है ठीक है मैंने सुना दो चार जगह में ऐसा नहीं लगता इसको सिंपल रखिए मतलब इसको डाउन इसको अप ये समझ के डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप तो इस बार डाउन अप ऐसे कर सकते हैं डाउन अप डाउन अप
पहला डाउन यहां और बाकी सब कुछ ऐसे, ठीक है, ये फर्स्ट फिंगर से अप डाउन, तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। और अब इसको रिस्क को जितना आराम से रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे, ठीक है, तो उतना आपको फ्लेवर अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रमिंग के बाद। अभी मैं इसका जो वही गिटार सिग्नेचर का बात कर रहा था, उसका नोट्स जो है, देखिए कितना ब्यूटीफुली इसका प्ले हुआ। इसमें एक मतलब एक जगह यूज हुआ, तो बहुत जन का सवाल था कि ये है क्या, ये कौन सा कॉर्ड है, ये क्या इन्वर्शन है, ये क्या है। तो ऐसा स्टाइल में इस बजाया इसको, तो ये क्या दिया है, इसके बी के साथ, तो ये जो मतलब जी शार्प नोट जो है, तो ये डी स्ट्रिंग ओपन मतलब डी नोट को लेके और ये जी शार्प नोट को बजाया, तो मतलब ये एक्चुअली ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये मतलब एफ शार्प नाम का स्केल है, तो ये बी माइनस सिक्स यूज हो रहा है, ये रूट है इसका, ठीक है। तो ये फ्लेवर इसका मतलब कॉर्ड्स को पूरा नहीं बजाया, ठीक है। तो अभी हम धीरे धीरे इसका नोट दिखाते हैं आपको, ये देखिए मतलब आपका ए स्ट्रिंग फोर फ्रेट, ठीक है, तो ये ए स्ट्रिंग फोर फ्रेट से आपको जाना है, थोड़ा आपको ये स्ट्रेच करना होगा लिटिल फिंगर टू फर्स्ट फिंगर, क्योंकि इसको आपको जाना है जी स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट तक, ठीक है। तो यहां आपको सेकेंड फ्रेट के जी स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट में और यहां आना है वापस मतलब डी स्ट्रिंग का आपको फोर फ्रेट में, ठीक है। और एक देखिए, आपको एक ही स्ट्रोक में आपको इसको हैमर करके लेना है, फिर ये दोनों ज्वाइन कर लीजिए, डी स्ट्रिंग ओपन एंड डी स्ट्रिंग फास्ट, देन इसको रख दीजिए इसका सस्टेन को, मतलब डी स्ट्रिंग फोर फ्रेट, थर्ड जी स्ट्रिंग वन, जी स्ट्रिंग टू, जी स्ट्रिंग वन, देन मतलब डी स्ट्रिंग फोर, जी स्ट्रिंग फोर एंड जी स्ट्रिंग टू, जी स्ट्रिंग वन, स्टाइल में आपको प्ले करना है, ठीक है। आप ये सब हैमर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ऐसा प्रैक्टिस है, नोट तो यही है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपको अगर कहां भी कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कहिए, मैं आपको रिप्लाई देंगे। हैव ए गुड डे।